फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं टाटा के शोरूम पे और आज आपको हम डिटेल्स में बताने वाले हैं कि इस ईयर एंड के मौके पे कौन कौन सी कार्स पे अभी अपना डिस्काउंट चल रहा है, कितने का आपको डिस्काउंट मिलेगा, कौन कौन सी वेरिएंट्स पे यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे एक न्यू कार परचेस करने की, तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, आपकी सभी डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सर यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका वेलकम है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम हिमालय शाहनी हो गया और मैं यहाँ पे आपको एज अ सीए वर्क करता हूँ। ठीक है। अभी सर अगर हम करेंटली ऑफर्स की अपनी बात करते हैं, तो टाटा की कौन कौन सी कार्स पे भी डिस्काउंट चल रहा है? टाटा की ये लगभग अभी सभी कारों पे कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल स्कीम थे। अब फेस्टिवल के बाद अभी जो है लास्ट ईयर एंडिंग है, तो इसमें आपका जो है स्कीम चल रहा है। तो सबसे पहले अगर पंच की बात करें, तो पंच में अभी जो है हमारा प्योर वेरियंट को छोड़कर, ठीक है, इस सेकेंड टॉप से आप जाते हैं तो टॉप मॉडल्स तक भी जो आप भी जो भी वेरिएंट परचेस करेंगे, तो इसमें आपको 15,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। 15,000 रुपये का जी कंज्यूमर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब जी। तो अपना 15,000 रुपये का डिस्काउंट बेस मॉडल छोड़कर बाकी सारे मॉडल्स पे अवेलेबल है। ठीक है, और अगर कुछ एक्सचेंज बेनिफिट वगैरह अलग से कुछ है उसमें? हाँ, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एक्सचेंज बेनिफिट्स हो गए या ट्रिपल एस स्कीम हो गए या टाटा के जो भी एम्प्लॉय हैं उनके स्कीम हो गए, ये सब सारे स्कीम्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वो मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा जी कैश डिस्काउंट छोड़कर जी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कैश डिस्काउंट की ही बात करेंगे, जो आपको एग्जैक्ट कैश डिस्काउंट मिलता है, और अगर कुछ एसेसरीज वगैरह रहेगा तो वो भी आपको हम बताएंगे। तो ये हो गई अपनी पंच की बात। अगर हम पंच के प्राइसिंग की बात करते हैं, तो कितने से पंच स्टार्ट हो जाती है? पंच की प्राइसिंग की बात करें तो ये बेस मॉडल इसकी 7,15,000 से ऑन रोड बेस मॉडल की आ जाती है, और अगर मिडल वेरियंट की बात करें तो 8,54,000 तक में इसकी मिडल वेरियंट आ जाती है, जो कि अपना एडवेंचर रिदम है जो कि सबसे ज्यादा सेल होने वाली। तो अगर कोई एडवेंचर रिदम लेना चाह रहा है तो ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए के बजट में उसे मिल बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो पंच की भी फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स जो है वो आपको हमने बता दी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ, तो इसके बारे में सर हमें थोड़ी डिटेल्स बताएं। ये कार हमारी टियागो एनआरजी हो गई, जो कि टियागो से काफी अलग लुक है, स्पोर्टी लुक्स है, आप देख सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या मिल जाता है? इसके एक्स्ट्रा जो लुक्स इन्हेंस करते हैं, फ्रंट से आप देख सकते हैं इसके स्किड प्लेट्स यहाँ पे, जो कि टियागो में ऑफर नहीं होती। अपर में आप देखते हैं तो अपर में यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हील पे, तो व्हील पे यहाँ आपके ब्लैक एसेंट्स में आपको यहाँ व्हील कवर आपको मिल जाती है, हाइपर स्टाइल व्हील कवर, जो कि काफ़ी ही स्पोर्टी लुक दे रही है। और रियर प्रोफाइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एनआरजी की टियागो एनआरजी की बैचिंग मिल जा रही है, एंड टेलगेट्स में आपको यहाँ पे पुश बटन्स भी मिल जा रहा है, जिससे आप ओपन एंड क्लोज भी टेलगेट को कर सकते हैं। मतलब ये अपना कंप्लीट आप बोल सकते हैं कि एक डिफरेंट रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। तो इसका बजट क्या रहना चाहिए, प्राइस क्या ऑन रोड जा रहा है ये? इसकी बजट भी लगभग टियागो से सेम ही है, 8,14,000 रुपये ऑन रोड जाती है इसकी। ठीक है, 8,14 में ये ऑन रोड आ जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं इसमें डिस्काउंट की, तो कितने का डिस्काउंट? 10,000 की डिस्काउंट अभी इस पर भी चल रही है। 10,000 का जी। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और एनआरजी वेरिएंट को आप चेकआउट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करेगा। और कलर ऑप्शन क्या क्या आ जाता है एनआरजी में? कलर ऑप्शन इसमें आपको वाइट है, ग्रे है एंड रेड है, ये आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा एनआरजी में जी। ठीक है, अगर सर हम नॉर्मल वेरिएंट से इसे कंपेयर करते हैं, अपनी जो टियागो आती है, तो उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता है? टियागो की एक्सटी एनआरजी एक आती है, तो वो आपका 7,52,000 रुपये ऑन रोड जाती है। ठीक है, तो वो अपना मतलब देखा जाए तो मोस्ट वैल्यू 50,000-60,000 का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा मतलब सेल होने वाला वेरिएंट कौन सा है इसमें अपना? इसकी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एक्सटी भी है और आपका टॉप एंड वेरिएंट भी है, दोनों ही सेम ज़्यादा सेल होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी टियागो की बात। अब हम चलते हैं अल्ट्रोज की तरफ, तो अल्ट्रोज में कुछ ऑफर्स चल रहा है क्या सर? अल्ट्रोज में ऑफर की बात करें सर, तो अल्ट्रोज में भी आपका कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, लगभग सभी गाड़ियों में एक स्कीम है। तो अल्ट्रोज की बात करें यहाँ पे, तो इसमें भी आपको अप्रॉक्स 15,000 का डिस्काउंट चल रहा है। 15,000 रुपये का जी। ठीक है, और अगर हम वेरिएंट वाइज बात करते हैं, तो कितने से स्टार्ट हो जाती है अल्ट्रोज? वेरिएंट वाइज बात करेंगे तो इसकी भी 7,50,000 से ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सबसे बेस मॉडल। हाँ, सबसे बेस मॉडल। और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल कौन सा है अल्ट्रोज का? सबसे ज़्यादा सेल होने वाली इसकी वेरिएंट है XM Plus। जी। अच्छा, उसका क्या बजट जाता है? XM Plus की अगर बजट की बात करें तो ये ऑन रोड 8,58,000 चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गई अल्ट्रोज की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पंच की यहाँ पे ईवी की जी, क्योंकि काफ़ी लोग ईवी का भी प्लान कर रहे होते हैं, तो ईवी में क्या बजट रहता है अपना पंच का? ईवी आपका स्टार्टिंग वेरिएंट 11,00,000 से ऑन रोड चला जाता है। ठीक है, और उसमें डिस्काउंट कुछ?
ईवी में भी अभी डिस्काउंट्स अगर बात करें ईवी का, तो पंच ईवी में आपका डिस्काउंट चल रहा है, वेरिएंट वाइज अगर देखते हैं तो वेरिएंट वाइज आपका मिड रेंज जो भी है उसमें 20,000 का डिस्काउंट है, और अगर लॉन्ग रेंज की बात करें तो उसमें 40,000 का डिस्काउंट है। अच्छा, तो मतलब 20,000 से स्टार्ट हो जाता है, 40,000 तक मैक्सिमम जाता है जी ईवी में। यस, ठीक है, ये हो गई अपनी पंच की बात। अब हम बात करते हैं अगर नेक्सॉन की, तो इसमें कितने का डिस्काउंट है? नेक्सॉन में अभी अगर हम मंथ एंडिंग की बात करें तो इसमें मैक्स अभी 25,000 तक की डिस्काउंट जा रही है। ठीक है। और इसका स्टार्टिंग रेंज क्या रहता है नेक्सॉन का? स्टार्टिंग रेंज 9,27,000 से इसकी ऑन रोड स्टार्ट है। ठीक है, 9,27 से ये स्टार्ट हो जाता है। और इसमें सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहता है? वैल्यू फॉर मनी अगर बोल सकते हैं तो प्योर एस भी वेरिएंट इसका काफ़ी अच्छा सेल होता है, या फिर आप क्रिएटिव प्लस एस भी बोल सकते हैं, ये दोनों मॉडल काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। तो अगर क्रिएटिव प्लस एस की बात करते हैं तो कितने बजट में ये आ जाएगा? क्रिएटिव प्लस एस अगर बात करें तो वो 13,45,000 जाती हैं, बाकी जो आपका कंज्यूमर डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी नेक्सॉन की बात जी। अब हम थोड़ी अगर अपनी बड़ी कार्स की तरफ चलते हैं, जैसे अपनी सफारी हो गई और हैरियर हो गई, तो इसमें क्या डिस्काउंट अभी चल रहा है? सफारी और हैरियर में तो अभी कोई डिस्काउंट नहीं आया है। ठीक है, मतलब जो है ये अभी कंप्लीट अपना जो ऑन रोड चल रहा है उसी में मिलेगा। yes, तो इसमें कंपनी ने कुछ प्राइजेस रिड्यूस किया था, तो वो प्राइजेस हमें देना होगा। बिल्कुल, तो कितने तक कंपनी ने प्राइजेस इसमें घटाया था? इसकी स्टार्टिंग वेरिएंट अगर प्राइस लेस होने की बात करें तो इसमें आपको 1 से 1.5 लाख तक की प्राइजेस ऑलरेडी लेस हो गया है, जो कि एक शोरूम पे हुआ है जी। ठीक है, तो बेनिफिट मतलब हमें जो है वो डायरेक्ट मिल जा रहा है, अपना प्राइजेस ही कम हो गया है। बिल्कुल, तो अगर कोई सफारी लेने का प्लान कर रहा है तो कौन से वेरिएंट के साथ जाना चाहिए? सफारी लेने का ही प्लान कर रहे हैं तो प्योर प्लस एस वेरिएंट इसका है, वो भी आप देख सकते हैं, और मिड वेरिएंट है जो कि यूज़फुल फीचर्स वहाँ से आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, 10 इंच का स्क्रीन, ये सारा आपको मिल जाता है। तो उसके लिए बजट क्या रहना चाहिए? बजट उसके लिए आपको 22 लाख तक जाना होगा ऑन रोड। ऑन रोड, ठीक है, तो ये अपनी सफारी की बात हो गई। और हैरियर का लगभग अगर देखा जाए तो प्राइसेस क्या रहता है? हैरियर उससे आपका 1,00,000 रुपया 1.25 लाख रुपया कम पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट डिटेल्स की बात। अगर हम अभी मतलब सीएनजी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सीएनजी में अभी सबसे बेस्ट कार कौन सी अवेलेबल है अपने पास? सीएनजी में हमारे पास पंच है, ठीक है, टियागो है, और एल्ट्रोज है, नेक्सॉन है, टाइगोर है, ये 5 गाड़ियां जो है आपका सीएनजी में भी अवेलेबल है। तो सीएनजी में अगर हम माइलेज वाइज अगर बात करते हैं तो अभी माइलेज सबसे ज़्यादा कौन सी कार ऑफर कर रही है? सब इसमें अगर 4 कार की बात करें तो लगभग सभी का सेम ही है, अगर टियागो हो, पंच हो या एल्ट्रोज हो, ये सभी गाड़ियां जो है आपका सेम माइलेज निकाल रही है, 25 से 30 तक का इनका एवरेज रहता है। ठीक है, सीएनजी में। और नेक्सॉन का क्या रहेगा माइलेज? नेक्सॉन का आपका 25-26 आपका माइलेज है सीएनजी में, वो भी दे देगी जी। ठीक है, तो अभी अगर हम वेटिंग की बात करते हैं, अगर कोई नेक्सॉन सीएनजी लेना चाह रहा है तो उसमें वेटिंग है या अवेलेबल है अभी? बिल्कुल वेटिंग है, अगर बेस मॉडल जाएंगे तो उसमें आपको 1.5 से 2 मंथ का वेटिंग है, मिडल में जाएंगे तो उसमें 1.25 मंथ का है, टॉप जाएंगे तो 1 मंथ का उसमें भी आपको वेटिंग, मतलब विदाउट 1 मंथ के वेटिंग का नेक्सॉन सीएनजी मिलना मुश्किल है जी। ठीक है, तो ओवरऑल में अगर अभी देखते हैं, अगर हम सीएनजी में जाना चाहते हैं तो नेक्सॉन का कौन सा वेरिएंट जो है वो सही रहेगा? अगर वेरिएंट की बात करें तो जैसा मैंने पेट्रोल में बताया तो सारा वही फीचर्स आपको सीएनजी के साथ भी अवेलेबल है, बट सीएनजी किट आपका उसमें बढ़ता है। ठीक है, तो कितना बजट उसमें बढ़ जाता है? और वही आपका 1.25 लाख का 1,20,000 का डिफरेंस पड़ता है पेट्रोल से। ठीक है, और डिस्काउंट हमें उसमें मिलेगा या नहीं? नहीं, सीएनजी में अभी कोई भी डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट नहीं है किसी भी कार में? नहीं, सीएनजी नेक्सॉन सीएनजी में कोई डिस्काउंट नहीं है, बाकी जो अगर आप टियागो, टाइगोर, एल्ट्रोज ये लेते हैं तो पंच लेते हैं तो इसमें आपको जैसे मैंने पेट्रोल में बताया वैसे ही डिस्काउंट उस पर भी अप्लाई करेंगे। मतलब सिर्फ डिस्काउंट अपना नेक्सॉन सीएनजी में नहीं है? नेक्सॉन सीएनजी में नहीं है। ठीक, और एंड कर्व में नहीं है। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट डिटेल्स टाटा के सभी ऑफर्स के बारे में, यहाँ पे आपको हमने बता दिया है। मैं होप करता हूँ आपकी जो भी डाउट्स होगी वो सब क्लियर हो गई हो। बाकी हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे हिमालय जी का, जिन्होंने आज के इस वीडियो में हमारी हेल्प की है। अगर आप बिहार एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप गैस हैं तो आप कॉल करके शोरूम पर बात कर सकते हैं, सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जैसे ही अपनी ऑफर्स कुछ अपडेट होती है, चेंज होती है, तो उसका भी एक डेडिकेटेड आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर देंगे क्या कुछ ऑफर्स रहता है। बाकी ओवरऑल में अगर आपका जो है वो 8 से 10 लाख रुपये का बजट है तो मैं होप करता हूँ आपकी जो भी डाउट्स होगी वो क्लियर हो गई होगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इवन अगर आप सीएनजी में भी जाना चाहते हैं तो इस बजट में आपको सीएनजी कार भी अवेलेबल हो जाएगी ऑन रोड प्राइजेस के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस यही था, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।